नमस्कार, पद्मिस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। रविवार की शाम को बालाघाट वारासिवनी ट्रेन दुर्घटना में महिला की मौत, आत्महत्या या दुर्घटना का नहीं हुआ खुलासा। रामबाईली ऐतिहासिक मेले में 12 से 18 नवंबर तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल होंगी शामिल। शासन को भेजी जाएगी शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की कहानी, विभाग की अनोखी पहल। जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा जिला अस्पताल में खून, दर दर भटकने को मजबूर हुए परिजन। दिव्यांशी ने जमाया मुक्के का पंच, दो बॉक्सरों को पराजित कर सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुई चयनित। अयोध्या मामले के फैसले के बाद रात भर गश्त करती रही पुलिस की टीम, दूसरे दिन भी चप्पे चप्पे पर नजर। नगरीय निकाय चुनाव में देरी, अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। वन्य प्राणी कोटरी का शिकार करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, 1 फरार, बैहर वन परिक्षेत्र की घटना। और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के पूर्व जिला अस्पताल में करवाया गया लंगर। और अब खबरें विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद साहब की योम पैदाइश पर मुस्लिम समाज के द्वारा रविवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में जश्न ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न कराए गए। हुजूर की योम पैदाइशी पर सुबह फजर की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने शुक्राने की विशेष नमाज पढ़ी, साथ ही घर घर खीर पूड़ी बनाकर फातिहा दी गई, जिसके उपरांत लोगों ने एक दूसरे के घर खीर पूरी का वितरण कर सभी को ईद मिलादुन्नबी की बधाइयां दी। वहीं नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन चलते रहे, जहां रविवार सुबह 10 बजे जामा मस्जिद के इमाम साहब जनाब जाहिद रजा साहब के द्वारा परचम कुशाई की गई। आपको बताएं कि अयोध्या मामले पर आए फैसले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा ईद मिलादुन्नबी पर निकाले जाने वाले जुलूस पर रोक लगाने के आदेश शनिवार शाम को ही जारी किए गए थे, जिसके परिपालन में मुस्लिम समाज के द्वारा ईद मिलादुन्नबी के विशेष मौके पर प्रतिवर्ष निकाले जाने वाला जुलूस ए मोहम्मदी इस वर्ष नहीं निकाला गया। जुलूस को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रम पूर्व की भांति आयोजित किए गए। वहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी या अप्रिय घटना को रोकने के लिए नगर के विभिन्न चौक चौराहों में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं सुबह से लेकर देर शाम तक जामा मस्जिद चौक छावनी में तब्दील कर दिया गया था और भारी सुरक्षा के बीच पूर्ण हकीकत के साथ मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ईद मिलादुन्नबी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जगह जगह खीर पूरी का वितरण, लंगर आम व अन्य आयोजन देर शाम तक चलते रहे।
आज ईद मिलादुन नबी के मौके पे सुबह फजर में जामा मस्जिद में पाती के बाद परचम कुसाई के बाद तबरुक बांटा गया, और उसके बाद जो हमारा परंपरागत है कई सालों से जो हमारा जुलूस मोहम्मदी शहर में गश्त करता है, इस बार प्रशासन की यानी समझाइश के कारण वो जुलूस शहर में नहीं निकल पाया, लेकिन परचम कुसाई की हमें जामा मस्जिद चौक पर परमिशन माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय द्वारा दी गई थी, उसी के तहत वहाँ पे हम मुस्लिम भाइयों ने परचम कुसाई की सलातो सलाम पेश किया, और उसके बाद नाज शरीफ पे दुआएं खैर हुई, और बाद में जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका था कि इसके बाद हमारा अंजुमन शादी हाल में लंगर का प्रोग्राम था, वो भी बड़ा अच्छे से आज जीतता है। केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंकों की तर्ज पर नगरपालिका और नगर पंचायत में भी मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासक बैठाने की व्यवस्था की तैयारी कर रहे। इसके पीछे बड़ी वजह चुनाव में हो रही देरी को बताया जा रहा है। जनवरी में नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव मार्च अप्रैल या फिर उसके बाद भी हो सकते हैं। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासक बैठाने की तैयारी की जा रही। हालांकि केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रशासक के रूप में अपने प्रतिनिधियों को बताया गया है, लेकिन नगरीय निकाय के नियम के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम प्रशासक के रूप में नगर पालिका की व्यवस्थाओं को सीएमओ नगर पालिका के साथ मिलकर संचालित कर सकते हैं। ऐसा किए जाने के पीछे मुख्य वजह वर्तमान समय में वार्डों के परिसमन के लिए दावे आपत्ति का समय, उसके पश्चात आरक्षण और अन्य चुनावी प्रक्रिया में देरी को बताया जा रहा है। वर्तमान में चल रहे निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारी नगरपालिका चुनाव में देरी होने की जानकारी तो देते हैं, लेकिन नगरपालिका में प्रशासक बैठाए जाने की व्यवस्थाओं को वरिष्ठ स्तर का बताते हुए कैमरे पर चर्चा करने से इनकार करते हैं। शनिवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया, जिसके मद्देनजर जिला पुलिस बल के द्वारा शनिवार और रविवार की रात भर गश्ती की गई। रविवार को शनिवार जैसे ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी दिखाई दी। इस दौरान जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के बाहरी स्थान पर बकायदा वाहनों की चेकिंग भी की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार जिले के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए जिले भर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। आगामी आदेश तक इसी तरह गश्ती और पुलिस की निगरानी रखी जाएगी। इसकी बड़ी वजह रविवार को ईद मिलादुन्नबी और मंगलवार को गुरु नानक जयंती त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूर्व के वर्षों में भी की जाती रही है। शासन प्रशासन के द्वारा जिले में रहने वाले बैगा आदिवासियों की सुविधाओं को लेकर कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के कुछ चिकित्सकों की लापरवाही के चलते बैगा आदिवासियों को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आज जिला अस्पताल में फिर एक मामला सामने आया, जिसमें यह साबित कर दिया कि जिला अस्पताल में पदस्थ कुछ चिकित्सकों की संवेदनाएं पूरी तरह से जा चुकी है। आपको बताएं कि एक सप्ताह पूर्व पुलिस चौकी सोनेवानी के अंतर्गत ग्राम सर्रा की महिला कमला उमरगाम को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था, जिसे गंभीर बीमारी होने के चलते ब्लड लगाया जाना था, लेकिन सोमवार को चिकित्सक प्रमोद महाजन की लापरवाही के चलते महिला को ब्लड नहीं मिल पाया। इसको लेकर कुछ समाज सेवियों के द्वारा आपत्ति जताई गई। इस संदर्भ में ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन एएम कुरेशी ने बताया कि पैथोलॉजिस्ट ना होने के चलते किसी मरीज को ब्लड देने के लिए ड्यूटी डॉक्टर के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर महाजन के द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण महिलाओं को ब्लड देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर मरीज के परिजनों एवं समाज सेवियों ने गहरी नाराजगी जताई। इस मामले में डॉक्टर महाजन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन आर के मिश्रा ने कहा कि चिकित्सकों को यह जानकारी नहीं थी कि ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट अवकाश पर है, इस वजह से वह हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, लेकिन महिला को ब्लड उपलब्ध करा दिया गया है। जी यार, अभी लिहाजी बीमारी है। बीमारी है तो अभी ब्लड चढ़ा कि नहीं चढ़ा? चढ़ा जी, दो चढ़ा है। अच्छा, आज भी चढ़ना था क्या? हाँ जी। तो आज इनका नाम क्या? कमला भाई। कौन है आपके? ये मेरे घरवाली है जी। कब भर्ती कराए थे? ये सोमवार को कराए थे साहब। अरे सर, एक डेढ़ घंटे से बैठे थे, फिर मिश्रा सर से बात हुई। पहले यहाँ क्रॉस मैच के लिए फाइल लेके गए,
यहाँ पे जो फ्यून है डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने मना कर दिया। फिर मिश्रा सर से बात हुई, मिश्रा सर ने फिर बात की सर से, महाजन सर से, उसके बाद जाके हमने साइन किया ताकि उसके बाद फिर हमारा ब्लड निकला। अच्छा, कितनी देर लगा लगभग साइन करवाने? मैं जो आया उसके बाद से अगर काउंट किया जाए टाइम तो डेढ़ घंटे, डेढ़ से पौने दो घंटे। सर एक्चुअली मामला ये था कि यहाँ एक कमला बाई मरकाम करके जो कि बैगा समाज की है, वो 8 से 10 दिन से यहाँ एडमिट है और उन्हें ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा था। हमारी एक संस्था चलती है युवा समर्पण ब्लड बैंक, जो कि गरीबों को फ्री में रक्त दान करती है। तो इसी केस के लिए हम यहाँ 2-3 दिनों से कंटिन्यू ब्लड लेकर आ रहे थे। जो हमारे डोनर थे, हम उनको ब्लड दिलवाने लैब पैथोलॉजी लेकर ब्लड पैथोलॉजी, तो वहाँ 2 घंटे हमको बैठाला गया। जब हमने उनसे चर्चा की कि हमको इतने देर तक यहाँ क्यों बैठाला जा रहा है, तो वो बोले कि यहाँ जो डॉक्टर साहब है महाजन, वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप ही 3 पैथोलॉजिस्ट हैं, तीनों छुट्टी पे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर अपने सिग्नेचर करते हैं, है ना, उनने मना किया। फिर CS साहब से मेरी बात हुई, तो CS साहब बोले बात करवाओ, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर कर दिया उसके बाद किया। तो क्या ऐसी दिक्कतें हमेशा आती हैं? हाँ आती है, ऐसी दिक्कतें जब नहीं रहती तो आती रहती हैं दिक्कतें, तो चलती रहती हैं। अच्छा, टाइमिंग क्या रहता है इसका? जैसे किसी को ब्लड की अति आवश्यकता पड़ती है तो कितनी देर में उसको ब्लड दिया जा सकता है? तो यहाँ कर्मचारी के ऊपर निर्भर है, 2 रहा है तो आधे घंटे में देते हैं, नहीं तो 2 घंटा हमारे पास लिखा हुआ है, मिनिमम 2 घंटा। अच्छा, जनहित में पेशेंट को देखते हुए जल्दी भी दे देते हैं। यानी बिना डॉक्टर के हस्ताक्षर के आप ब्लड नहीं, ब्लड उसके नहीं देते बगैर हस्ताक्षर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो अब तक गरीबी की वजह से प्राइवेट स्कूलों के गेट को पार नहीं कर पा रहे थे, वे अब उन बच्चों के साथ अध्ययन कर रहे हैं जो काफी अमीर या धनाढ्य वर्ग से संबंध रखते हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता के चलते उन बच्चों की बराबरी कर रहे हैं जो कि साधन संपन्न है। ऐसे बच्चों की सफलता की कहानी को लेकर BRC नरेंद्र राणा के द्वारा एक पहल की गई है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लिया है उन बच्चों की कहानियां बुलवाई गई ताकि शासन के द्वारा RTE के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उसका क्या नतीजा आया है यह उजागर हो सके। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि RTE के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसके पीछे एक मकसद है कि गरीब वर्ग का बच्चा भी उन बच्चों के साथ समतुल्य होकर अध्ययन कर सके या शिक्षा प्राप्त कर सके जो कि अपनी गरीबी के चलते इन स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की कहानियां बुलाई गई है ताकि उसे सार्वजनिक कर यह बताया जा सके कि RTE के नियम के शासन के द्वारा बनाया गया है वह कितना कारगर है। शहर के भटेरा चौकी वार्ड निवासी पुलिस विभाग में कार्यरत शैलेंद्र शुक्ला की पुत्री दिव्यांशी का दूसरी बार सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। दिव्यांशी ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी ट्रायल मैच में 2 बॉक्सरों को पराजित कर लगातार दूसरी बार महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019-20 में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया। इस सफलता की खबर मिलते ही दिव्यांशी के घर में खुशी का माहौल छा गया। एक बार फिर परिजनों को बेटी की कामयाबी के लिए लोगों ने बधाई दी। आपको बता दें कि दिव्यांशी 24 अक्टूबर को बालाघाट पहुंची थी। इस दौरान परिजनों ने उसका भव्य स्वागत किया था, जिसे पद्मेश न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया था। इस दौरान उसके परिजनों ने हमें चर्चा के दौरान दिव्यांशी की सफलता और उसके परिश्रम के विषय में विस्तार से जानकारी दी थी। आदिवासी विकास परिषद जिला बालाघाट शाखा के द्वारा 6 मासिक बैठक का आयोजन किया गया। आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम और पीतम सिंह उइके ने बताया कि बीते 6 महीने में परिषद के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और आगामी 6 महीने में क्या कार्य किए जाएंगे, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही कर्मचारी प्रकोष्ठ के भी गठन किया गया। आज की जो बैठक हमने आहूत की गई थी वो मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तहत, इसमें महिला प्रकोष्ठ, कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ, इनका गठन करना ताकि समाज को एक रूपता में ला करके, समाज को सुसंगठित बना करके जो सरकार की जो आने वाली जो योजना है उनका लाभ सारे लोगों तक पहुंच पाए, ऐसी हमारी कार्य योजना बनाने का एक प्रोग्राम था और इसी आधार पर हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया। 6 मासिक जो बैठक है
समीक्षा बैठक है। आदिवासी विकास परिषद ने 6 माह में कितने कार्य हुए उसकी एक समीक्षा हो रही है और महिला प्रकोष्ठ और कर्मचारी प्रकोष्ठ का आज गठन है। और हमारी जो पिछली 3 नवंबर को जो बालाघाट में हुंकार आदिवासी अधिकार हुंकार रैली जो आयोजित हुई थी उसकी भी समीक्षा है और आने वाले समय में जो 17 नवंबर को भोपाल में की जानी है इसके बारे में चर्चाएं चल रही है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जिला अस्पताल में लंगर का आयोजन किया गया। सिख समुदाय के सेवादार कुलविंदर सौंधी ने बताया कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बीते 8 महीने में हर रविवार को जिला अस्पताल में लंगर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 10 नवंबर को भी लंगर का आयोजन किया गया। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 12 नवंबर को सारे ही विश्व में दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को उपलक्ष्य में रखते हुए करीब 8 महीने से हम लोग हर हफ्ते इतवार को लंगर की सेवा जो है गुरु नानक के लंगर की सेवा हॉस्पिटल में करते आ रहे हैं। शहर के सभी सद्धर्म प्रेमियों का बहुत स्वभाव और बहुत सहयोग मिला और ऐसी निरंतर सेवा हमारे साथ करते आ रहे हैं। ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले शहर में अतिक्रमण के मकड़जाल और मवेशियों को शहर की सड़कों से हटाने के लिए 4 महीने पहले कार्य शुरू किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोबारा सड़क पर मवेशी आ गए और अतिक्रमण की हालत किसी से छिपी नहीं है। यही हाल शहर के अधिकांश स्थानों पर देखा जा सकता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा 1 सप्ताह पूर्व ही मवेशी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके भी कि अतिक्रमण कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के बैहर परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत ग्राम बघौली में वन क्षेत्र से गुजरने वाली 11 केवी विद्युत लाइन से जीआई तार के माध्यम से तार बिछाकर एक कोटरी का शिकार करने के आरोप में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक फरार है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान RS ध्रुवे SDO बैहर वन विभाग ने बताया कि आरोपियों द्वारा वन्य प्राणी कोटरी का शिकार किया गया था, जिसके मांस के टुकड़े और अन्य अवशेष आरोपियों के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 1 आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। बालाघाट वारासिवनी कटंगी ट्रैक पर गर्रा नाका पर एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शाम करीब 6:30 बजे बालाघाट से कटंगी की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला नीले कलर का सलवार सूट पहने हुई थी। घटनास्थल पर मोबाइल पर्स पड़ा हुआ था। पर्स में मिली बैंक पासबुक पर श्रुति बाला जोशी पति प्रभु दयाल जोशी निवासी वार्ड नंबर 5 लालबर्रा रोड वारासिवनी लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस या फिर किसी अन्य ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मृतिका के पास मिली पासबुक उसी की है या फिर किसी अन्य महिला की है। इस दौरान यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद महिला ट्रेन से गिर गई होगी, ट्रेन में अकेली रही होगी, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। महिला की शिनाख्त होने के बाद ही पूरी घटना के विषय में जानकारी मिल सकेगी। आखिरकार महिला की मौत की वजह क्या है? पुलिस द्वारा महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए विवेचना में लिया गया है। रात होने की वजह से सोमवार की सुबह ही पोस्टमार्टम होने की जानकारी दी जा रही है। जिले में अन्य स्थानों की तरह ही वारासिवनी में भी पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नगर में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा अनेक कार्यक्रमों के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व 10 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों के द्वारा एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद देकर गले मिले, साथ ही आपसी गिले शिकवे भी दूर किए। तेरा सभी दिल मचले लगो के नामे नबी बा, दिल तड़पने लगा दिल गम। ये जो त्यौहार हम मनाते हैं ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश की खुशी में ईद मिलादुन नबी त्यौहार मनाया जाता है।
क्षत्रिय मराठा कलार समाज के जिलाध्यक्ष राकेश सेवईवार के नेतृत्व में अखंड भारत संकल्प और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के भाव को लेकर बालाघाट में 29 अक्टूबर को निकाली गई तिरंगा यात्रा आज 7 नवंबर को 3000 किलोमीटर का सफर तय करके बालाघाट लौटी। इस क्रम में 9 दिवसीय इस यात्रा का बालाघाट आगमन के बाद समापन 9 नवंबर को भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस होटल में क्षत्रिय मराठा कलार समाज के जिलाध्यक्ष राकेश सेवईवार के द्वारा हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग मौजूद यात्रियों का पुष्पहार से सम्मान किया गया। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रामपुरी में 9 नवंबर को 90 वर्षीय वृद्ध महिला हिरकीबाई पति रामचरण दमाहे की कुएं में लाश पाई गई। इस घटना की सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने 10 नवंबर को प्रातः घटना स्थल पर पहुंचकर शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया एवं पंचनामा कार्यवाही के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये क्या है, चारा के लिए गई थी खेत और वैसे वापस में आते समय कुएं किनारे से गिर के पैर फिसल गया। यदि सुबह FIR किए, पुलिस वाले गए थे उनके सामने लाश निकाले। आप लोग को कैसे पता चला? वो और लोग गए थे ना हमारे ढूंढने सुबह, इनके मेहमान लोग उधर टिकरे की तरफ देखने तो वहाँ गए तो इन्हें कुएं को भी देखे तो लाश सुबह ऊपर दिखी। कब की घटना है ये? कल की। लालबरा के स्थानीय रजा मस्जिद अमोली में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा 10 नवंबर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैह वसल्लम की पैदाइश का पर्व जश्ने ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्राम अमोली स्थित रजा मस्जिद में प्रातः 10 बजे मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। इसके बाद दरुदे फतिहा कर सलातो सलाम पढ़ा गया, जिसके बाद लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर रजा मस्जिद के इमाम मौलाना इरशाद अहमद अशरफी ने जिलेवासियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में अरबी माह रबी उल अव्वल के 12 तारीख को जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश उनका जन्म दिवस है और हम उन्हीं का जन्म दिवस उन्हीं का योम पैदाइश आज मना रहे हैं। लालबरा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में DCA लालबरा के तत्वाधान में अश्वत्थामा कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका 10 नवंबर को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम आरक्षक स्वर्गीय निहाल सहारे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद प्रतियोगिता में शामिल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने परिचय प्राप्त कर खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कर मैच प्रारंभ किया। प्रतियोगिता का पहला मैच अकेडमी 11 लालबर्रा और जामटोला के बीच खेला गया, जिसमें जामटोला की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेते हुए निर्धारित 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 134 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अकेडमी 11 को 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का दूसरा मैच जूनियर फाइटर 11 लालबर्रा व मानपुर के मध्य खेला गया, जिसमें जूनियर फाइटर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में विरोधी टीम के समक्ष 134 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके बाद जवाबी पारी खेलने उतरी मानपुर टीम के खिलाड़ी 90 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इस तरह प्रतियोगिता के प्रथम दिन 2 मैच खेले गए, जिसमें अमोली व जूनियर फाइटर 11 ने जीत दर्ज की। अश्वत्थामा कप DCA लालबरा के तत्वाधान में हो रहा है। कौन सा वर्ष है ये? पहले प्रथम वर्ष ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आज मुलना स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट टीम का चयन किया गया। इस संदर्भ में जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष निशांत मिश्रा ने बताया कि जबलपुर में 18 नवंबर को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यह चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं संघ के संरक्षक सुनील वर्मा ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ के द्वारा यह चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सभी विकास खंडों के क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा के आधार पर उनका चयन किया जा रहा है।
ये आज जिला क्रिकेट संघ बालाघाट द्वारा अंडर 15 के बाद अंडर 18 टीम का चयन किया जा रहा है, जिसकी टीम अपना 18 तारीख को जबलपुर के लिए रवाना होगी। वहाँ पर ये टीमें आपस में जबलपुर संभाग के पूरे जिले खेलेंगे, उसके द्वारा उसके बाद पूरे जबलपुर संभाग की टीम बनेगी, जिसमें बालाघाट जिले की बड़ी अहम भूमिका रहती है। और कोशिश ये की जा रही है कि बालाघाट जिले के अच्छे से अच्छे जो 15 खिलाड़ी हैं वो इस चयन प्रतियोगिता में चयनित हों, ताकि आगे जो कॉम्पिटिशन होता है हमारा, तो वो छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, ये सारी अच्छी टीमों से होता है। और प्रयास ये रहता है हमारा कि कम से कम हम फाइनल अवश्य खेलें उसका, ताकि हमारे एक दो लड़के कम से कम ऊपर लेवल पर संभागी जबलपुर की संभाग टीम से खेल सकें। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपायली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रामपायली श्रीराम बालाजी लोक महोत्सव रामपायली मेला कार्यक्रम 12 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। यह मेला जनपद पंचायत वारासिवनी एवं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 12 नवंबर को आयोजित होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे देश के सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अयोध्या राम जन्मभूमि विवादित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसको लेकर देश प्रदेश व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए संभावित परिस्थितियों के मद्देनजर कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था कर कड़ी व्यवस्था की जा रही है। मेला प्रतिवर्षना इस वर्ष भी होने जा रहा है, तैयारी पूरी हो चुकी है, और जो अभी लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मेला कैंसिल हो गया, मेला ऐसा कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। मेला निर्धारित तारीख पर निर्धारित समय पर चालू होगा, और आज हम पूरे सीओ साहब जनपद के और हमारे पूरे कांग्रेस के सब पार्टी लोगों के साथ में अपना आए निरीक्षण किए मेला का, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होना था और मैदान भी देखे। कुछ मैदानों में गड़बड़ी है, उसको सुधारने के लिए जेसीबी वगैरह का प्रोग्राम बुलावा हो गया, बुलाल भी लिए। और 12, 13, 14 ये 3 तारीख में कार्यक्रम है, और 17 तारीख को डंडार है, क्षेत्रीय कार्यक्रम, ऐसे 4 प्रोग्राम होंगे। जिला प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लगा दी गई थी। इसी के साथ 10 नवंबर को मुस्लिम धर्मावलंबियों के पर्व ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जिला प्रशासन के द्वारा जुलूस, जलसा जैसे आयोजनों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तहत रामपायली मेला स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन 10 नवंबर को रामपायली में जनपद पंचायत वारासिवनी को हरी झंडी दे दी गई है। जैसे कि आपको बताए थे कि प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री बालाजी भगवान के प्रांगण में रामपायली क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी प्रारंभिक तैयारियों के तौर पर जो हमारी बैठकें हुई थी उसके निर्देशानुसार और बैठकों की कार्रवाई विवरण अनुसार मेले की समस्त तैयारियां की जा चुकी हैं, और मेले में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों का भी एक कार्यक्रम बना के उनको प्रस्तावित किया जा चुका है। रामपाली नगर का अपने आप में काफी गहरा धार्मिक इतिहास है। किसी समय इस नगरी को राम पदावली के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे अब रामपायली के रूप में श्री राम बालाजी मंदिर के कारण काफी प्रसिद्धि प्राप्त है। जिले में इस नगरी को तीर्थ नगरी की संज्ञा भी दी गई है। बताया जाता है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान माता सीता, अनुज लक्ष्मण के साथ महाराष्ट्र स्थित रामटेक जाते समय रामपायली से होकर गुजरे थे। इस दौरान भगवान श्री राम ने रामपायली बालाजी मंदिर के स्थान पर स्थित सरभंग ऋषि के आश्रम में उन्हें दर्शन देने पधारे थे, तभी से इस गांव का नाम राम पदावली के नाम से जाना जाने लगा। इसे अब रामपायली के नाम से पहचाना जाता है। भगवान राम के पौराणिक महत्व से जुड़ी पवित्र नगरी रामपायली में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 12 से 18 नवंबर तक रामपायली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस मेले में सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कलाकारों और गायकों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 से 18 नवंबर 2019 तक रामपायली में आयोजित मेले में संस्कृति विभाग की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 12 नवंबर को रामपायली में लोक नृत्य एवं भजन गायन का कार्यक्रम होगा, जिसमें सागर के मनीष यादव ग्रुप द्वारा
बरेदी एवं बधाई लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद उज्जैन की कृष्णा वर्मा ग्रुप द्वारा मटकी एवं पनिहारन लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा और दुर्ग के प्रभंजय चतुर्वेदी द्वारा भजन गायन किया जाएगा। 13 नवंबर को रात्रि में सुगम संगीत एवं भजन गायन का कार्यक्रम होगा, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल द्वारा संगीत एवं भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 14 नवंबर को डिंडौरी जिले के मायाराम ध्रुवे ग्रुप द्वारा जनजातीय नृत्य कर्मा एवं शैला प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके पश्चात रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें देश के सुप्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी, अशोक सुंदरानी, अशोक भाटी, किरण जोशी, पूनम वर्मा, मनोज मद्रासी एवं अनामिका अंबर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। 17 नवंबर को रात्रि में दुय्यम डंडार का आयोजन होगा। अशोक नाम से ये परंपरा का मेला होता है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम से रामपाली राम पड़ा और उन्हीं के नाम से वहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। मेला तो अपने स्तर पर जैसे चल रहा था प्रतिवर्ष हो रहा था, लेकिन इस बार पहली बार होगा शायद कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग से कुछ लोक महत्व के कार्यक्रम में ला के पूरे प्रदेश में चलते हैं और संस्कृति विभाग के माध्यम से क्योंकि मेला तो 12 से 18 तक लेकिन इसमें बहुत ही प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। रविवार की शाम को बालाघाट वारासिवनी ट्रेन दुर्घटना में महिला की मौत, आत्महत्या या दुर्घटना का नहीं हुआ खुलासा। रामबाईली ऐतिहासिक मेले में 12 से 18 नवंबर तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल होंगी शामिल। शासन को भेजी जाएगी शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की कहानी, विभाग की अनोखी पहल। जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा जिला अस्पताल में खून, दर दर भटकने को मजबूर हुए परिजन। दिव्यांशी ने जमाया मुक्के का पंच, दो बॉक्सरों को पराजित कर सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुई चयनित। अयोध्या मामले के फैसले के बाद रात भर गश्त करती रही पुलिस की टीम, दूसरे दिन भी चप्पे चप्पे पर नजर। नगरीय निकाय चुनाव में देरी, अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। वन्य प्राणी कोटवी का शिकार करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, 1 फरार, बैहर वन परिक्षेत्र की घटना। और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के पूर्व जिला अस्पताल में करवाया गया लंगर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।